नाउ मिस्टर गोविंद भाई ढोलकिया, मिस्टर गोविंद भाई ढोलकिया। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। विल यू स्पीक इन संस्कृत? माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अच्छा, हिंदी आगे। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों के हृदय में विराजमान परमात्मा को नमन करके इस उच्च सदन में आज मैं पहली बार मेरा बोलने का प्रारंभ कर रहा हूँ। नमस्कार, सबसे मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बजट पर मेरे को चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया है। मैं किसान पुत्र हूँ और गांव की स्कूल में 6 तक पढ़ा हूँ और फिर भी भगवान की कृपा से 2013 से मैं अहमदाबाद IIM में हर साल लेक्चर देने को जाता हूँ। मैंने 60 साल पहले डायमंड बिजनेस में वर्कर के तौर पर काम शुरू किया था और आज 7,000 लोगों का फैमिली मिलकर काम कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ और मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने के लिए उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। माननीय सभापति जी, मैं बजट के बारे में अपने विचार सदन के सामने बड़ी विनम्रता के साथ रख रखा हूँ। मोदी सरकार ने बजट 2024 में कई महत्वपूर्ण पहलों की ओर कदम बढ़ाए हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को और राष्ट्र को विकसित एवं मजबूत करने में मदद करेगा। महोदय, इस बजट में सेवा, सुशासन और राष्ट्र कल्याण की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दृष्टि को महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया गया है। माननीय सभापति जी, एक किसान और व्यापारी होने के नाते मैं यह कह सकता हूँ कि यह बजट भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हम सब जानते हैं कि वैश्विक चुनौतियाँ के बावजूद भी हमारे देश के अर्थतंत्र की मजबूती पर विश्वास जताया गया है। इस बजट में हर क्षेत्र की वृद्धि के लिए ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक, कृषि क्षेत्र से लेकर शिक्षा के क्षेत्र तक, हर क्षेत्र में निवेश की गति को तेजी दे जा रही है। क्षेत्र में कोई भी हो, योजनाएं बनी रही है, शुरू हो रही है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने भारत के भविष्य के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी का आभार प्रकट करता हूँ। माननीय सभापति जी, मैं गुजरात और सूरत का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं आज गर्व से कहूँगा कि माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने सूरत को संवार दिया है। शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में शहरों को एयरपोर्ट, मेट्रो,
रेल परियोजना और कई सारी सुविधाओं के माध्यम से स्मार्ट शहर बनाने के लिए सरकार तेज गति से दौड़ रही है। माननीय श्री सभापति जी, मैं विशेष रूप से सूरत में मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति के लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। यह परियोजना न केवल शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने में मदद करेगी बल्कि नागरिकों के जीवन को भी सुगम बनाएगी। 40 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जो हमारे शहर के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय सभापति जी, मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि 2014 में सूरत एयरपोर्ट पर केवल 4 फ्लाइट आती थी, जो आज 2024 में 34 फ्लाइट आती है। सूरत को विश्व के साथ जोड़ने के लिए मोदी जी ने सूरत एयरपोर्ट को नया बनाकर इंटरनेशनल का दर्जा दिया है। इसके लिए भी मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। सरकार के इस कदम से सूरत के व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि सूरत से दुबई शारजहाँ की फ्लाइट शुरू होने से सूरत शहर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नवी पहचान मिली है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली है, उसमें सूरत को भी बहुत लाभ मिलेगा। दिल्ली और सूरत का 6-लेन हाईवे जो सूरत होकर गुजरता है, उससे भी सूरत का विकास को बहुत फायदा मिलेगा। महोदय, हीरा आभूषण व्यवसाय के एक प्रतिनिधि से रूप में सूरत डायमंड बुर्स की स्थापना के लिए मैं मोदी सरकार को विशेष रूप को बधाई देना चाहता हूँ। महोदय, हीरा व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र सूरत है। सरकार की मदद से सूरत में डायमंड बुर्स SDB का निर्माण किया गया है। वो हमारे राष्ट्र के लिए बड़ी गर्व की बात है, जो 67 लाख स्क्वेयर फुट का बांधकाम, 4,500 ऑफिसेज, विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग। माननीय सभापति जी, मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ और आपके माध्यम से सदन के सभी मेरे साथियों को सूरत डायमंड बुर्स आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। सूरत डायमंड बुर्स रत्न कलाकारों, व्यापारियों और विश्व के खरीदारों के लिए एक वन स्टॉप शॉप है, और इसका उद्देश्य हीरा उद्योग को एक छत के नीचे केंद्रित करके रोजगार एवं एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का और सूरत को विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सूरत को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय महोदय श्री, अंत में मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूँ और इस बजट के लिए उन्हें बधाई देता हूँ। यह बजट हमारे सूरत के साथ साथ पूरे देश के प्रगति में भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। माननीय सभापति जी, फिर से आपका धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। धन्यवाद ढोलकिया जी, आप बहुत अच्छा बोले। पहला भाषण था आपका, बहुत अच्छा बोले। लेकिन ये बताइए,
आप किसान है या हीरा व्यापारी क्या है? देखो नहीं, मैं असल में किसान हूँ। मेरे को खेत में सब कुछ काम आता है, बोना, उसको लेने का, फल करना, नींदना, पारने का, कुछ भी काम। ये सब लोग जो किसान पर बोल रहे थे ने, मेरे को हंसी आती थी कि उसको देखा नहीं खेत क्या है, काटा क्या है, और सब बात कर रहे थे। नहीं लेकिन आप क्या, मेरा सवाल, आप किसान है हीरा व्यापारी है? दोनों 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 दोनों। अच्छा चलो, नेक्स्ट स्पीकर इज पीपी।